हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। सकलक मोर चेनेल स्वागत जानसो। आज मैं लैसो क्लास टेनर बाबे एटी अति गुरुत्वपूर्ण भिडियो जो आम डिस्कस करिम सेबाय आपलोड करा रिसेंटली जी आपनर 2024 आरु 25र बाबे जी आपनर सिलेबी आसे अर्थात सिलेबस खेतु आमी साम। सो काइंडली आपनके भिडियोटो खेकलके साबो आरु ए पीडीएफटो पाबर कारणे आपनके काइंडली आमार ग्रुपत जॉइन करिबो पारे आरु आपनर ए ग्रुपर लिंकटो डेस्क्रिप्शनत थाकिबो। सो काइंडली आपनके जॉइन करि लबो। सो बोलक आमी ए सेबाय रिसेंटली लॉन्च करा सिलेबी चाह लं। इत मैं अपना क्लास टेनर सिलेबी मैं डिस्कस करिम। सो क्लास नाइनर आपनर सिलेबस मैं नेक्स्ट भिडियोत दिबले जत्न करिम। एतिया आमी फर्स्ट साम एसएमएस एमाइल। सो काइंडली आपनके स्क्रीनशॉट लई लबो। एटो अपना क्लास टेनर मैं सिलेबस आगबढ़ाइछो आपनर बाबे। सो अपना एसएमएस एमाइलत फुल मार्क्स 100 थाकिबो जार अपना पास मार्क्स 30 आसे दिखा। किन्तु एक्चुअली अपना एटो एच एस एल सी अर्थात मेट्रिक 33 हो जाए। सो काइंडली आपके 33 मार्क्स मानने पाने जत्न कर गति के अपना पसंद भाग करना छमाही परीक्षा और एट आपनर शिकांत परीक्षा अर्थात एच एस एल सी मन रख अर्थात मेट्रिक एग्जाम। सो गति के आपल जब टिक कर जेने के आपनर यू टिक कर आपनर हाफिलित अह मानने चेप्टारबूर जेने उद्योगी हमहा और भारतीय संस्कृति ये दो आपनर हाफिलित आ यह अपना जनगोषी गाथनी और संस्कृति यू ना इतना टिक करा ना। नेक्स्ट अपना इंटरनेटर तीता मिठा और अरुणिमा खिन्हा यू अपना इतना टिक करा देन आपनर अरण्य जात्रा यू अपना छमाही परीक्षा देन आपनर पारिषद एमुखी यू ना आपनर एग्जाम कारण हाफिलि ना ओनलि एनुअल एग्जाम काइंडली आपन नोट कर तेनदेर अपना पद्यांशर पर बरगीत और जिकिर मन रख प्रकृष्टि आपनर हाफेलित मन रख देन आपनर मैं अखोमिया दृष्टान्त यू ना हाफेलिर कारण। सो काइंडली आपन एन प्रिपेरेशन कर जी आपनर दिया आछे सिले तार पास आपनर नेक्स्ट सेक्शन आछे व्याकरणर इयात आपनर नवम श्रेणी व्याकरण उपरियो खमाख खंडी वाक्य परिवर्तन जेने खरल जौगिक जटिल नत्यविधि और खत्यविधि ज्योतिषिन्हर व्यवहार खंड वाक्य तार पास आपनर विपरीत शब्द देन आपनर एटा शब्द प्रकाश कर आरु प्रत्यय एक आपनर ग्रामर सेक्शन है। सो काइंडली आपन चाह लो यू आपनर सेम एज हाफ इयरली और एनुअल एक आपन मैंने इमान चिंता कर नागे। अपना नेक्स्ट आसे भाव सम्प्रसारण प्रतिबेदन आवेदन लिखन यू आपनर सेम हाफ इयरली और एनुअल सेम रचना आसे आपनर सेम आपनर हाफ इयरली एनुअल सेम एज हाफ इयरली एंड एनुअल द्रुतपाठ आपनर जिको आपके पढ़ लगे द्रुतपाठ यू आपनर अकॉर्डिंग टू टीचर्स मैंने अपना टीचारे किमान लेसन मैं शेष कर सीमते आपनर पार्टबूर आईटो अपना छमाही और एनुअल एक थको देन आपनर आनसिन मानने जी अपना पेसेज आए अर्थात अपठित गद्यांश यू आपनर हाफ इयरली एनुअल सेम थको देन आपनर वैकल्पिक जी आज ग्रुप बी तक अपना आज विषाद जुग यू आपनर गद्यांशर पर जिनकी आपनर हाफ इयरत ना। सो काइंडली आपन नोट कर लब ग्रुप बर पर आपनर गद्यांशर प्राचीन भारतीय शिक्षा आब। सो काइंडली आपन नोट कर लब अपना बी सेक्शनर पद्यांशर पर कानाई सातुरी एटु ना ओनली आपनर धर झारू धर भाई आइबो काइंडली आपन नोट कर लब तेनदर आपनर जी बी सेक्शनर मैं व्याकरण आसे खेतु होल आपनर नवम श्रेणी व्याकरण उपरियो भूल वाक्य खुदरणी उपसर्ग अनुसर्ग क्षमार्थक शब्द पुरनी शब्द आधुनिक रूप एबुर आपनर आइबो सेम एज एनुअल एंड हाफ इयरली देन आपनर छंद एबार हाफ इयरली ना। सो काइंडली आपन नोट कर लब। सो एटु आपनर गतिके आपनर जी हाफ इयरली थाकिबो एंड आपनर जी एच एस एल सी एग्जाम अर्थात मेट्रिक थाकिबो खेतु आपनर बोथ 100 मार्क्सर पेपर थाकिबो। सो काइंडली आपन नोट कर लब गति के जिस इतने टेक्सटबुक मैंने पुआ ना अथवा फलो करना आपनर सहित चयनिका नतुन जी आज सीट आपके फलो कर दशम श्रेणी कारण और अपना जी स्टार मार्क दिया काइंडली चाह लब विषय अंश हिसाब से संस्कृत ग्रुप सी लब खोजा शिक्षार्थी रिजु भारती पुथि पढ़ लगे देन तार पास अपना नेक्स्ट आसेट यूनिट पाठर पर दुर दस नम्बर प्रश्न आइबो। सो काइंडली आपके एनदे फलो कर लब देन आपनर रिजाल्ट भल हम। सो ये आम आग बढ़ी अन्य आपनर सब्जेक्टर ऊपर जी आपनर सिलेबस आसे सो ये आम आग बढ़ी बेलेग सब्जेक्ट बेंगली एम आई ललो। सो काइंडली आपके धुनिया के चाह लो जेनेर मैं आपनर एस एम एस एम आई बुझालू सेम आपनर तैने थको। सो प्रसेस तो शेष है। सो काइंडली आपके चाह लो निजे बुझे जत्न कर क्यों जो मैं सको मैंने अपना सिलेबसर मैंने सब्जेक्ट बुझा गए यह भिडियो खूब लेंदी हो जाए है ना। सो काइंडली आपको निजे चाह लो आए आपके बुझी पासी जो आपके क्या डाउट आसे काइंडली आपके कमेंट कर बुझा ना बोली।
ক্লাস 10 অর ইংলিশ অর্থাৎ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লৈ সো এইটো আপোনাৰ অলপ আপোনাক বুজিবলৈ যত্ন কৰিব যে ইয়াত আপোনাৰ 90 মার্কছ মানে থিওৰি পেপাৰ থাকিব আৰু 10 মার্কছ আপোনাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল অর্থাৎ ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট দেন আপোনাৰ পাস মার্ক থাকিব 27 মন থাকিব এটো আপোনাৰ থিওৰি পেপাৰৰ কাৰণে পাস মার্ক 27 হয় সো ইয়াত আপোনাৰ বুজিবলৈ কি আছে যে আপোনাক চাই আছে ইয়াত আন্ডারলাইন কৰা আছে হয় নহয় গতিকে যদি আপোনাক এইবোৰ চাই সো ফাৰ্ষ্ট আপুনি চাই লওক গতিকে আপোনাক ফাৰ্ষ্ট চাই লওক যে এই গোটেই আপোনাৰ সিলেবাছ কেনেধৰণৰ আছে গতিকে আপুনি লিখা আছে যে নোটত যে আন্ডারলাইন লেসনস আইটেমস আর ফর হাফ ইয়ারলি এক্সামিনেশন অর্থাৎ এতে আপুনি বুজি পাইছে সাগে যে যিকেইটা আপোনাৰ ইয়াত আন্ডারলাইন কৰা আছে এইটো সকলো আপোনাৰ হাফ ইয়ারলির কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আপোনাৰ পৰ্চনবোৰ হয় সো কাইণ্ডলি আপোনালোকে এইবোৰে পঢ়িব হাফ ইয়ারলির কাৰণে এতিয়া আপোনাৰ যি প্ৰজ ছেকশ্যন আছে তাত আপোনাৰ আন্ডারলাইন কৰা পাৰ্ট কেইটা কি কি আছে আপোনাৰ যেনে এ লেটাৰ টু গড নেলচন মণ্ডেলা লং ৱক টু ফ্ৰীডম তাৰপিছত আপোনাৰ যি গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়া আছে তাত আপোনাৰ কুক পাৰ্ট যি আছে সেইটো আহিব কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ পয়েট্ৰি ছেকশ্যনৰ পৰা এই টাইগাৰ নেট জু আৰু এমেণ্ডা আহিব মনত ৰাখিব এইটো আপোনাৰ হাফ ইয়েৰলিৰ পৰ্চন হয় তাৰপিছত আপোনাৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী অৰ্থাৎ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট এই কিতাপৰ পৰা আপোনাৰ দুটা চেপ্টাৰ আহিব যেনে দ্য বিনেট ভিজিটৰ আৰু এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট মনত ৰাখিব সো কাইণ্ডলি আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰক দেন আপোনাৰ যি এক্সাম আছে হাফ ইয়েৰলি এইটো ভাল হ'ব হয় নহয় এতিয়া আপোনাৰ যি ক্লাছ টেনৰ মেথমেটিক্স আছে এইটো আপোনাৰ ৰিভাইজ চিলেবাছ হয় চ' আপোনাৰ এই যে পেপাৰ আছে মেথমেটিক্সৰ এইটো আপোনাৰ 100 মাৰ্কছৰ পেপাৰ থাকিব য'ত নেকি আপোনাৰ 90 থিয়ৰী এণ্ড 10 মাৰ্কছ আপোনাৰ প্ৰেক্টিকেল থাকিব চ' আপোনাৰ পাছ মাৰ্কছ ছেম এজ প্ৰিভিয়াছ ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ ইংলিছ 27 থাকিব চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে এইবোৰ চেপ্টাৰ চাই লওক চ' যিকেইটা আপোনাৰ টিক কৰা আছে হাফ ইয়েৰলিত যি টিক কৰা আছে সেইটো আপোনাৰ হাফ ইয়েৰলিত আহিব আৰু যি আপোনাৰ এইচ এল চি এক্সামৰ কাৰণে টিক কৰা আছে সেইটো আপোনাৰ এনুৱেল এক্সাম অৰ্থাৎ এইচ এল চি এক্সামৰ কাৰণে আহিব সো কাইণ্ডলি আপোনালোকে সেইমতে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক গতিকে আপোনাৰ যি 9 চেপ্টাৰ আছে সেইটো আপোনাৰ টোটেলি ৰিডিউচ কৰা হৈছে কাইণ্ডলি আপোনালোকে চাই ল'ব সেইটো আপোনালোকে পঢ়িব নালাগিব হয় নহয়